ध्यान प्लस योगा, उसके लिए प्राणायाम जो करना है, आप थोड़ा सीधा बैठें और अपने नाक से श्वास खींचिए। श्वास खींचते समय आपका ध्यान दोनों आंखों के बीच में जरूर स्थिर होना चाहिए। ये जगह, इसको तीसरा नेत्र, हिंदू और सिख धर्म में तीसरा नेत्र, दसवां द्वार, ज्ञान चक्षु या तिल कहा जाता है, और इसी को इस्लाम धर्म में मेहराब कहा जाता है, वेरी वेरी डीप स्लीप पॉइंट। तो यहां ध्यान रखिए, सीधे आप बैठे हैं, उस गुरुमंत्र का जाप करते हुए जो आपके गुरु ने तपस्या करके हासिल किया, उनके गुरुदेव ने उनको सिखाया, उस गुरुमंत्र का जाप करते हुए आप श्वास अंदर भर लीजिए। तो वो तरीका हम आपको करके दिखाना चाहते हैं, इससे क्या क्या होता है और क्या क्या हुआ है, क्योंकि हमने प्रैक्टिकली लाखों करोड़ों लोगों में ऐसा करवा के देखा है और इसका रिजल्ट 100% आता है। पहले आप बैठ गए, सीधे बैठे हैं, और अपने अंदर श्वास भरिए, नाक के द्वारा सर्वश्रेष्ठ, इस तरह, और रोक लीजिए, गुरुमंत्र का जाप अंदर ही अंदर कीजिए, और करते करते आप श्वास को छोड़ते जाइए, अंदर से श्वास चलता जाए, छोड़ते जाइए, और फिर लास्ट में पूरा श्वास अंदर से निकाल दीजिए, विदाउट एयर, बिना प्राण वायु के। लेकिन ध्यान रहे, जब श्वास अंदर नहीं है, गुरुमंत्र का जाप यानी ध्यान से रुकना नहीं है, गुरुमंत्र का जाप लगातार होता रहना चाहिए। आपको करके दिखाते हैं पूरा ये तरीका, जिसे एक श्वास प्राणायाम का कहा जाता है। पहले श्वास अंदर भरा, होल्ड, छोड़ते जाना है, अंदर श्वास नहीं, बिना श्वास के रुकना है, और फिर श्वास अंदर भरना है। तो ये एक श्वास हुआ कि बिना श्वास के रुकना तक, ऐसा अगर आप करते हैं तो क्या होता है, हमने 6 करोड़ लोगों में ऐसा अजमा के देखा, नशा छूट जाता है। ऐसे ऐसे प्लेयर जो आज देश का नाम रोशन कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा करके देखा, चाहे वो क्रिकेट हो, मुक्केबाजी हो, या स्विमिंग हो, वॉलीबॉल, यूडो, योगा, वहां की लड़कियां 5 बार योगा वर्ल्ड कप में लगभग 30-35 गोल्ड मेडल जीत के लाई हैं, और यही नहीं, थ्रोबॉल और इसी तरह रोलर स्केटिंग हॉकी चैंपियनशिप जीत के लाए हैं। ऐसे ऐसे लोगों पे अजमाया जिनको अस्थमा था, जो इनहेलर लिया करते थे, सिर्फ 15 दिन ऐसा करने से उनका इनहेलर छूट गया। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपकी मेमोरी पावर वीक है, याददाश्त शक्ति कमजोर है, तो आप गुरुमंत्र का जाप इस तरह से कीजिए, यानी गुरुमंत्र प्राणायाम के साथ करके देखिए, आपकी याददाश्त शक्ति बढ़ती जाएगी और बहुत अच्छे अंक आप हासिल कर पाएंगे। ये हमने अजमा के देखा है, बच्चों ने करके देखा है, रिजल्ट 100% आया है। यही नहीं, बल्कि बहुत सारी श्वास की बीमारियां चली गई।